नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर की BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तुलसीदास की कवितावली के कुछ कवित्व और सवैयों का हमने अध्ययन किया। अब हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम कांड सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं। लंका दहन से संबंधित कुछ प्रसंग हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। कोपी दशकंद तब प्रलय पयोत बोले, रावण रजाई धाय आए जूथ जोरी कई। कयो लंकपति लंक भरत बुताओ बेगी, बानरु बहाय मारो महाबारी बोरी के। भले नाथ नाथ माथ चले पाथ पद नाथ, बरसई मुसलाधार बार बार घोरी कई। जीवन ते जागी आगे चपरी चोगनी लागी, तुलसी भबरी मेघ भागे मुख मोरी के। यहाँ लंका दहन की घटना का वर्णन कवि तुलसीदास करते हैं कि जब हनुमान के घमंड का नाश करने के लिए और एक साधारण वानर समझकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तब क्या स्थिति हुई उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। कोपी दशकंद तब प्रलय पयोद बोले, कोपी क्रोध करके दशकंद अर्थात रावण है, प्रलय पयोद बोले, वो उन्होंने प्रलय के पयोद अर्थात बादलों को बुलाया, उन्होंने बादलों को आज्ञा दी। रावण रजाई धाय आए जूथ जोरी के, और क्योंकि पूरी सृष्टि रावण के वश में थी, धरती पाताल को उन्होंने वश में कर रखा था, स्वर्ग के सिंहासन को उन्होंने हिला रखा था, तो रावण रजाई धाय रावण के डर के मारे आए जूथ जोरी के, जूथ था समूह में इकट्ठे होकर, और बादल तुरंत अपना समूह बनाकर भागते हुए रावण की आज्ञा से तुरंत उपस्थित हो गए, तुरंत आ गए। कयो लंकपति लंकापति रावण ने कहा, लंक भरत की लंका जल रही है, एक छोटा सा ये जो सामान्य वानर है इसने इस लंका को जला दिया है, इसलिए लंका जल रही है। बुताओ बेगी, बुताओ अर्थात इसको शांत करो, इस अपने बादलों की तुम वर्षा करके और इसकी तपन को मिटाओ। बेगी अर्थात शीघ्रता के साथ तुम इस अग्नि को बुझाओ। बानरू बहाई मारो, और इतना ज़्यादा पानी बरसाओ कि बानरू की ये जो साधारण सा वानर है इसको बहाई मारो, बहाकर ही मार दो। महाबारी बोरी कई, और इतनी मूसलाधार वर्षा हो धरती पर कि महाबारी अर्थात अनंत रूप से बहुत तेज गति के साथ प्रचंड रूप से मूसलाधार बारिश बरसाकर बोरी कई और डुबाकर, बोरना कहते हैं डुबाने को, तो डुबाकर इस वानर को बहाकर मार दो। भले नाथ रावण की इस आज्ञा को स्वीकार करके जो बादल हैं उन्होंने कहा कि ठीक है नाथ, हे स्वामी जैसा आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। नाथ माथ नाई, माथ अर्थात अपने मस्तक को, नाई यानी झुकाकर, चले पाथ प्रद नाथ, पाथ प्रद नाथ बादलों के जो सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं, बादलों के जो अग्रणी, बादलों के जो स्वामी हैं, वो मस्तक झुकाकर और रावण की आज्ञा मानते हुए चले। बरसई मूसलाधार बार बार घोरी के, और फिर बादलों ने रावण की आज्ञा का अनुसरण करते हुए बार बार घोर के, बार बार गर्जना करके, घूमड़ घूमड़ कर बारिश मूसलाधार रूप में बरसने लगे। जीवन ते जागी आगी, लेकिन जैसे जैसे बादल लंका की अग्नि जलाने के लिए, अग्नि को बुझाने के लिए बरस रहे हैं, जितनी प्रचंड गति से वो शीतलता बरसाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेज गति से जागी आगी, चारों तरफ अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होने लगी। चपरी चोगुनी लागी, और चपरी उतनी ही तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ बादल बरस रहे हैं और उस अग्नि को बुझाने की कोशिश में लगे हैं, उतनी ही शीघ्रता के साथ चोगुनी लागी, वो अग्नि शांत होने के बजाय चोगुने रूप में और ज़्यादा उद्दीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है। तुलसी भबरी मेघ भागे मुख मोरी के, तुलसीदास जी कहते हैं जब बादलों ने इस विरोधाभासी स्थिति को देखा, जब इस विकट समस्या को देखा, तो उनके तुरंत ये बात समझ में आ गई कि हम जो रावण के कहने से कार्य कर रहे हैं वो गलत है, ये माया है एक, और उस माया के वशीभूत होकर ही
प्रभु की आज्ञा से ऐसा हो रहा है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भबरी डरकर मेघ भागे, बादल वहां से तुरंत भागे, मुख मोरी के रावण की आज्ञा से मुख मोड़कर पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश बरसाने का जो क्रम उन्होंने जारी कर रखा था उससे मुंह मोड़कर और बादल तुरंत भगवान की इच्छा समझकर वहां से भागने लगे। इस तरह से सुंदरकांड के लंका दहन का वर्णन यहाँ पर कवि तुलसी ने ओज गुण के माध्यम से किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से यहाँ पर रावण की आज्ञा और बादलों की क्या स्थिति हुई, हनुमान के प्रकोप के सामने, हनुमान की वीरता के सामने बादल कैसे नतमस्तक हुए, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। हम अपना अगला पद देखते हैं। पावकु पवन पानी भानु हिमवान, जम्मू कालू लोकपाल मेरे डर डावा डोल हैं। साहब महेश सदा संकित रमेश मोही, महातप साहस वीरंच लीने मोल हैं। तुलसी तिलोक आजू दूसरो न विराजे, राजू बाजे बाजे राजनीति बेटा बेटी ओल है। को है इस नाम को जो बाम हो, तुमोह सो मालवान रावरे के बावरे से बोल है। यहाँ पर भी रावण के घमंड का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण कहते हैं पावक पवन पानी भानु हिमवान जम, पावक अग्नि, पवन हवा, पानी भानु अर्थात सूर्य, हिमवान अर्थात हिमालय, जम्मू अर्थात यम, काल मृत्यु, लोकपाल मेरे, और जो दसों दिशाओं के स्वामी हैं, जो लोकपाल हैं, जो दिक्पाल हैं, डर डावाडोल है, वो सभी मेरे डर से डावाडोल है। अर्थात पूरी पृथ्वी, ये पूरी जो सृष्टि है, ये जो जल थल नभचर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं और साधारण मनुष्यों की तो बिसात ही क्या है, वो पूरी सृष्टि मुझसे डरती है, मेरे डर के आगे वो नतमस्तक है। साहब महेश सदा संकित रमेश मोही, आगे घमंड करते हुए रावण कहते हैं कि साहब अर्थात इंद्र, महेशु शिव, सदा संकित रमेशु मोहि, और रमेशु रमा का ईश अर्थात रमा के पति विष्णु है, वो भी सदा संकित मोहि, मेरे से सदैव शंकित रहते हैं, उनको एक डर बना रहता है कि न जाने कब स्वर्ग को मैं अपने अधीन कर लूँ, कब स्वर्ग के सिंहासन पर मैं आरूढ़ हो जाऊँ, तो वो सब मेरे डर से डरते हैं। महातप साहस विरंच लीने मोल है, और रावण कहते हैं कि मैंने मेरे महान तप से निरंतर, मैंने अखंड तपस्या करके विरंची अर्थात ब्रह्मा को भी लीने मोल है, मैंने अपने वश में कर लिया है, ब्रह्मा को भी मैंने मोल ले लिया है। तुलसी तिलोक आज दूजो न विराजे, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण अपने घमंड के वश में आकर कहते हैं कि आज तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में आज दूसरों ने विराजे राजा, आज कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं है जो मेरे समान राज्य कर सके, अर्थात मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, सर्वश्रेष्ठ स्वामी हूँ। बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है, और इन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ और सारी जो राज्य हैं, सारे जितने भी राजा हैं, वो सब मेरी प्रजा के समान मेरे बेटे बेटी ही हैं। को है ईश नाम को, मेरे सामने किसी ईश्वर का कोई नाम नहीं है, या कोई भी नाम ईश्वर के समकक्ष नहीं है। जो बाम हो तो मोहू सो, और जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर बताएगा, जो मेरे अलावा नाम लिया जाएगा, वो वाम होत, वाम अर्थात मेरे विपरीत कार्य करेगा, वो मेरे प्रतिकूल होगा, और संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि मोहू सो वाम होत, कि मेरे से कोई उल्टा चले या मेरा कोई प्रतिकूल बन जाए। मालवान रावरे के बावरे से बोल है, इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण मूर्ख है जो अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, अपने पर घमंड कर रहा है, रावरे के बावरे से बोल है कि तुम्हारे जो वचन हैं वो बावले व्यक्ति के समान अनर्गल प्रलाप है, अनर्गल व्यर्थ बात कर रहे हो। तुलसी के कहने का तात्पर्य यह है कि रावण को ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि मैं अपने घमंड में क्या बोले जा रहा हूँ।
इस तरह से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार के माध्यम से रावण के घमंड का तुलसी ने वर्णन किया है। हम अपने अगले पद में तुलसी द्वारा रचित अन्य सवैयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।